आपके सामने पहला प्रश्न है, भारतीय ध्वज में कुल कितने रंग है? आपके सामने चार ऑप्शन, ए एक, बी दो, सी तीन, डी चार। तो गाइज आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गाइज आपको बता दी, ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है, ठीक है, ये जो नेशनल फ्लैग है इसमें तीन रंग होते हैं। ऊपर ऊपर है आपका नारंगी और नीचे आपका बीच में वाइट यानी कि सफ़ेद, नीचे आपका है हरा, ठीक है। ये तीन रंग होते हैं अपने नेशनल फ्लैग में और बीच में एक अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। कितनी? 24 तीलियां। तो इस तरह से जो हमारा ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि भारतीय ध्वज में कुल कितने रंग है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर तीन, यानी कि आंसर नंबर तीन। इस भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल तीन रंग होते हैं। अगला प्रश्न है,